हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो है उसमें हमने जो है लाइंस एंगल पर कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और उसका मेथड था, कुछ रूल्स थे जो आपको यहां पर लिखे हुए, और भी रूल्स थे लाइन एंड एंगल्स के, वो भी मैंने कराए थे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है रूल्स लिखे हैं। पहला रूल आप देखिए, पढ़िए। पहला रूल क्या लिखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो इस छेदी रेखा के प्रत्येक ओर के अंता कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण कैसे होते हैं? संपूरक कोण ऐसा जो 180 का एंगल बना रहा हो, इस प्रकार से लाइन खींची हो, ठीक है, और यहाँ पर कोई कोण है और यहाँ पर कोई कोण है, तो ये हमेशा कितने का होगा? 180 का। मतलब ये वाला और ये वाला प्लस करेंगे तो कितना होगा? 180 का होगा। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताई थी, सबसे पहले बताई थी, इस प्रकार का ये डायग्राम बनाया था फर्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और आपको एक और चीज रिक्वेस्ट रहेगी, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपको देख रही है तो वीडियो के ऊपर एक आई बटन का जो ऑप्शन आ रहा है उसे दबाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी, प्रीवियस वीडियो। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, डेफिनेटली देखिए इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत जीरो से चलेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे, बेसिक अप्रोच से चलेंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने दो समांतर रेखा खींची, ए बी और सी डी, ठीक है, और उसकी प्रतिच्छेदक रेखा या फिर बोले एक इस प्रकार की रेखा जो इसको छेदती जा रही है, जो इसी ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट मिले मुझे, जी और एच, ठीक है। अब मैंने कहा कोण ए जी और एच, ठीक है, मतलब ये वाला कोण, ये अंदर वाला, किसका वाला? अंदर वाला, ये वाला कोण प्लस कोण सी जी सी एच जी सी एच जी, ये दोनों कोण बराबर होते हैं 180 के। कितने के? 180 एंगल के, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, ये हमें याद करना है, ये रहता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब, ये जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस प्रकार से ये आता है, और ये प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, ये हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन करेंगे, ये टेस्ट है आपका, जितने भी हम क्वेश्चन होंगे वो आ चुके एग्जाम में, ठीक है, याद करिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ आपको वो एग्जाम में आ चुके, किसी ना किसी एग्जाम में। अब एक और फॉर्मूला है, या एक और हम कहेंगे यहाँ पर एक और रूल है, तो एकांतर कोण होते हैं, कैसे कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण होता है कैसे? इस प्रकार का जेड बन जाता है। कैसे बन जाता है? जेड बन जाता है। इसमें एक रेखा दो रेखा, इस प्रकार की एक तिर्यक रेखा होती है, ठीक है, मान लो कि दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक कैसी होती है? तिर्यक टाइप की रेखा होती है, जेड बन जाता है। तो इसमें जो ए रखा है यहाँ पर, ए यहाँ पर मान लीजिए ये 30 डिग्री, यहाँ पर कितना है? ये 30 डिग्री है। तो इसके वाला जो अंदर का जो कोण है, इसके भाग यहाँ पर जो बन रहा है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। यानी कि ए बी सी बराबर 30 और सी डी सी बी बराबर भी 30, ठीक है। अब यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल पे आए थे, वर्टिकल अपोजिट भी यही इसी प्रकार का काम करता है। से मान लीजिए मैंने इसको 20 डिग्री बोला, तो इसके सम्मुख कोण वाला बी कितना होगा? 20 डिग्री होगा। इसके वाला कितना? 40 है, तो ये भी 40 होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, ए बी समांतर रेखा है सी डी की, ए बी समांतर रेखा है सी डी की, ठीक है, ओके। अब हमको कोण ए ओ बी, कोण ए ओ क्या, सॉरी कोण क्या दिया हमें? ओ यहाँ से लगा, यहाँ से ओ ए बी या ए बी ओ, ठीक है, किसी भी प्रकार से कर लीजिए, ए बी इसमें आना चाहिए, तो हमें 120 डिग्री दिया है, ठीक है। और सी और डी सी ओ, डी सी ओ या फिर ओ सी डी हमें दिया है, तो ये क्या दिया है? 130 डिग्री। कैसे दिया है? 130 डिग्री दिया है। तो फ्रेंड हमें दो कोण दिए हैं और हमसे पूछा क्या है? ये बीच वाला, जो मैंने आपको डबल लाइन यहाँ पर कर रखी है, ये बीच वाला कोण पूछ लिया। अब फ्रेंड्स करना क्या है इसमें, हम थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच से चलते हैं, थोड़ा हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसमें, क्योंकि फ्रेंड ये वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ज्योमेट्री, वो प्रैक्टिकल पर चलता है। इसमें थोड़ा सा हमें माइंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, हमेशा क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें सबसे सिंपल चीज है, हम इस वाले कोण पर, ये जो बन रहा है ऊपर, इस पर एक समानांतर रेखा खींच देते। कैसे खींच देते? समानांतर रेखा खींच देते, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें समानांतर रेखा खींच दी। आप लोग पूछ रहे हो समांतर रेखा क्यों खींची है? फ्रेंड ये प्रैक्टिस आप करेंगे तब आपको आएगा, जब आप एग्जाम के लिए कम से कम एक टॉपिक के लिए 50 क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे तो आप यू है बिल्कुल इजीली कोई भी एग्जाम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर देखिए ये हमने त्रिक इस प्रकार रेखा खींची। अब मैंने बोला ये वो, ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा, यहाँ से भी एक रेखा ऐसे खींच दीजिए, इस रेखा को भी ऐसे खींच दीजिए, और ये वाली जो दो रेखा है उनको भी ऐसे खींच दीजिए, और ये जो है यहाँ पर ये भी रेखा ऐसे खींच दीजिए। अब ये जो डायग्राम है लगभग इसी जैसा बन गया है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसमें बाहर के लिए कोण बने हुए हैं, इसमें अंदर बने हैं, ठीक है। कैसे बने? अंदर बने।
तो मैंने आपसे क्या बोला था, ये वाला कोड बी ए ओ, बी ए ओ हमें दिया है, तो बी ए ओ में बी ए ओ कितना है, 120 डिग्री है, 120, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था ये दोनों के दोनों, यानी कि से मान लीजिए मैं आपको इसको ई कर दूँ, इसको ई बोल दूँ, क्या बोल दूँ, इसको ई बोल दूँ, ई ओ ए, ई ओ ए नहीं पता है हमें, ये वाला अंदर वाला नहीं पता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों का प्लस कितना होता, सम कितना होता था, मैंने मान लीजिए इसको एक्स मान लिया, क्या मान लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स और इसका दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, मैंने यहाँ पर करा वही चीज़, कितना हो रहा है 180। अब मैंने 120 को यहाँ पर कर दिया, इसे मान लीजिए 120 को यहाँ पर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मेरा एक्स आ जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। लेकिन फ्रेंड ये अभी पूरा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हाफ आया है भाई, आधा आया है, कितना आया है, ये आधा ही तो आया है अभी, कितना आया, आधा आया, ठीक है। तो हमने अभी आधा निकाल लिया, ये वाला 60 निकाल लिया, अब हमें तो पूरा चाहिए, कैसे चाहिए, हमें तो पूरा चाहिए। अब पूरा कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम इस वाली लाइन पे जाइए, नीचे वाली लाइन पे जाइए, यहाँ पर ये नीचे दिख रहा है 130, यहाँ पर अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको 180 वही सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने लगाया था, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 50, बहुत सिंपल से करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे, क्योंकि देखिए ये वाला कोण ओके और ये वाला कोण, ये संपूरक है, यहाँ पर हमने पढ़ा ना संपूरक है, कैसा है, संपूरक कोण है, ये वाला कोण यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है ना, इस प्रकार से कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए ये वाला कोण, ठीक है, और यहाँ पर जो बन रहा है ये वाला कोण कैसे बन रहा है, संपूरक इसी प्रकार के बन रहे हैं, सेम टू सेम। इसको मैं अगर ऐसा कर दूँ, अगर इसको ऐसा कर दूँ, इस प्रकार से कर दूँ, इस प्रकार से, तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से बन रहा है, सेम बन रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, 180 माइनस कितना हमारा जो कोण दिया, तो हमारे कितना आ गया, 50, और पहले कितना आया था, 60 आया, तो कितना होगा, ये होगा 110, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 110 आने वाली है। बहुत सिंपल था हमने इस क्वेश्चन को करा, अब अगला क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए वीडियो को देखते देखते बोलना, अगर आपको समझ में आया तो हाँ कि हमें समझ में आया, ना बोलिएगा समझ में आया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स हाँ ना में जवाब दीजिएगा, ओके। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा फ्रेंड, देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर आप देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको, देन आप पूरा जो है सही से देखेंगे तो फ्रेंड आपके क्वेश्चन भी रेज होंगे, ऐसा नहीं अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे तो नहीं रेज होंगे, अगर देखेंगे कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, इसमें दिया है ए बी ओ, कोण ए बी ओ 30 डिग्री और कोण सी डी ओ 40 डिग्री, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है कोण, कौन सा, बी ओ डी, कोण बी ओ डी। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल अप्रोच से होगा, जिस प्रकार से पिछला वाला क्वेश्चन करा था, इस हमने इस जो है अप्रोच से, इस जो आपको एकांतर कोण दिए होते हैं इस प्रकार से, और ये जो है इससे करे था, ठीक है। इससे हम लास्ट में करेंगे, लेकिन इससे ही करेंगे, अभी तो हम इसी से करेंगे, इससे भी हो जाएगा ये जो क्वेश्चन होगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन हम इसी से करेंगे क्योंकि हम ये ईजी पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें करना क्या है फ्रेंड, सबसे पहले आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये वाला जो कोण दिया है, जो 30 डिग्री दिया या 40 डिग्री दिया हमें, इन दो कोणों में सिमिलरिटी, या फिर हम इसको ऐसा कैसे बना सकते हैं इस प्रकार के, क्योंकि हमें बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संपूरक निकालना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी लाइन खींचेंगे, कैसी करेंगे, इस प्रकार की लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब मैंने बोला इस प्रकार की लाइन ड्रॉ कर दी, और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है, मान लीजिए एक्स बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा यहां पर भी एक इस प्रकार की लाइन बन रही है, देखिए ये, ठीक है, और ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन पर, आप ऐसा मत सोचिएगा कि एकांतर कोण बन रहा है, ये एकांतर कोण बन रहा है, यहां पर भी ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा, लेकिन फ्रेंड्स एक दिक्कत है, हमें निकालना कौन सा, हमें तो ये वाला निकालना है ना, हमें ये वाला निकालना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहां से ना लेकर हम क्या करेंगे, इसको ऐसा ना कर, इसको इस लाइन को इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, मतलब कि ये जाएगी इस प्रकार से, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर, अब ये वही लाइन बन गई ना, यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार की बन गई। तो हमने क्या देखा, जब ऐसी संपूरक कोण होते हैं तो हम क्या करते हैं, 180 में से घटा देते हैं, 180 में से 30 को घटा दिए, क्या कर दिया है, 180 में से 30 को क्या करना है, घटा देना है। बहुत ही सिंपल सा हमने अप्रोच किया कि इस 30 को 180 में से घटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कैसे संपूरक कोण है, किस प्रकार के हैं, संपूरक
कौन है। सम पूरक कौन हमेशा कैसे घटाते हैं 180 में से, दोनों कितने के होते हैं, दोनों प्लस कितने के होते हैं, दोनों हमेशा कितने के होते हैं, दोनों प्लस करेंगे तो ये 180 आता है। ओके, और हम दोनों में से माइनस करेंगे हमें जो चाहिए वो आ जाएगा, 30 को माइनस करेंगे तो ये 150 आ गया, कितना आ गया 150 आ गया। और 150 कौन सा, ये वाला कौन है, ये वाला कौन यहाँ पे है, यानी कि आधा आया है यहाँ तक, मात्र यहाँ तक आया, ठीक है यहाँ तक आया। अब हमें निकालना क्या है, जो आधा बचा हुआ है वो निकालना है। अब वो निकालने क्या करना है फ्रेंड्स, सेम टू सेम इसी प्रकार से नीचे दिया हुआ है, ये नीचे दिया इस प्रकार से ये है, ठीक है ये लाइन खींची हुई है, एक ये लाइन खींची हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो भी सेम टू सेम ये लाइन हो जाएगी, इसी प्रकार से उल्टा हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो गया, ये यहाँ पर कितना है, ये कौन है, तो ये भी कौन, कितना होगा इन दोनों का प्लस कितना होगा। मान लीजिए इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, ए प्लस बी संपूरक कोण से 180 होता है, ठीक है संपूरक कोण के अकॉर्डिंग कितना होता है 180 होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें वही सेम टू सेम क्या करेंगे, ये थ्योरम है जो हमारा मेथड है, 180 में से 40 घटा देंगे, कितना 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा 140 आ जाएगा। और ये दोनों प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों प्लस कर देंगे, इससे ए ओ डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए ओ डी। फ्रेंड बहुत शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम देखिए मैं तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में करना क्या, आप स्पीड बढ़ाइएगा, अपन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लाइन खींची, आपको बताया इन दोनों का जो है जो सम होता है 180 होता है, माइनस करा कितना होगा 180, इन दोनों का कितना होता है 180 होता है, इसको माइनस करा कितना होगा 140 150, तो कितना हो गया 290। बहुत सिंपल अप्रोच से हमने इसको बस मात्र 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं इसे फ्रेंड, ठीक है। आप बस आराम से इसको देखिए, और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो इनसे अच्छे रहेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड देखिए बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखने देखिए वीडियो पड़ी ना हो इसलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं देन क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है इस साइड लिखा हुआ है, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा थर्ड नंबर का, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी समांतर, ये ए बी और सी डी कैसी है समांतर रेखा है, ये नीचे ऊपर नीचे है थोड़ी सी समांतर होंगी, इसको आगे बढ़ा दूंगा समांतर हो जाएगी। यहां पर दिया ए बी ओ, ए बी ओ 100 डिग्री, और कोण दिया हमें ये कोण है, ठीक है ये कोण का निशान है, ठीक है ओ सी डी, यहां पर ओ सी डी 115 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है बी ओ सी, बी ओ सी जो एक्स दिया है हमें, क्या दिया जो एक्स दिया है वो हमें फाइंड करना। अब फिर से वही, फिर से बहुत सिंपल से फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, हमें यही वाला यही संपूरक कोण बनाना है, और संपूरक कोण से इसको पूरा हम हल करेंगे। अब देख लीजिए बहुत सिंपल से, देखिए मैंने क्या करा, इस एक जो ओ दिया उससे क्या करा एक लाइन ड्रॉ करी इस प्रकार, ठीक है दोनों साइड मैंने दोनों साइड क्या करी एक लाइन ड्रॉ करी, मैंने इसको बोला ई, इसको बोला एफ, ठीक है ये एक ई और एफ लाइन खींची। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने, अगर देखिए ये जो है इस लाइन को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं ना इस प्रकार से, तो ये एक छेदक रेखा हो गई, ठीक है इसी प्रकार से ये यहां पर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि क्या ए बी ओ प्लस होगा ई ओ बी, ई ओ बी बराबर कितना होगा 180 होगा। ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण है, कैसे संपूरक हैं, ठीक है कैसे हैं संपूरक हैं। तो फ्रेंड इसको हम इजीली सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 100 दिया है, 100 में से क्या करना है 100 यानी कि 180 में से क्या करना है 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है ये कितना आ जाएगा 80 है। ये वाला कोण हमारे पास कितना आ गया भाई 80 आ गया, कितना आ गया 80 आ गया। अब हमें कौन सा हम अभी हम अब हमें कौन सा हम करेंगे, देखिए निकालना हमें एक्स है, हम क्या करेंगे इन दोनों का यहाँ पर से दोनों आसपास का निकाल लेंगे, इस वाले अपोजिट का, तो अपोजिट का हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे। 180 में से क्यों, क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ पूरा कोण 180 का होता है, ये पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमने क्या करा इसी प्रकार से, ये जो एक लाइन है यहाँ पर ये 115 दिया है, कितना दिया है 115 दिया है, ये भी तो संपूरक होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसा होगा संपूरक होगा, तो इसको भी क्या करना है 180 में से 115 घटा दिए, किसको 115 घटा दिए, जब 115 घटाएंगे 5 और 6 कितने आ गए 65 आ गए, कितने आ गए 65 हमारे पास आ गया, ठीक है 65 आ गया। फ्रेंड्स बहुत इजी मेथड से कर रहा हूँ, बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, इतना इजी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन और अलग तरीके से हो सकता है और अलग तरीके से, ठीक है लेकिन हम इसे बेसिक से करके और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या पता है, हमें पता है ये पूरा जो है
ये पूरा जो है, ये पूरा ये दिख रहा है कोण, ये कितने का होता है, ये 180 का होता है। कितने का, 180 की लाइन पर बना हुआ पूरा कोण 180 का होता है। अब हम क्या करेंगे, 65 को जो दिया है आपको, 65 कितना दिया है, ये 65 आया है हमारे पास, ठीक है। कितना आया, 65 आया है और 80 आया है, क्योंकि ये 65 ये हो गया, ठीक है, ये 80 हो गया। इन दोनों को माइनस कर देना है किसमें से, 180 में से। अब देखिए यहाँ पर से हम माइनस कर दें, 180 माइनस 65 और प्लस 80, ये 80 में से 80 गया तो 80, 80 में से और 100 में से 65 गया तो ये हमारा 35 बचा। क्या बचा, 35 बचा, यानी कि हमारा जो x बराबर आया है कितना आया है, 35 डिग्री। कितना आया, 35 डिग्री आया है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से सारे हम क्वेश्चन करेंगे और अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, आराम से देखिए। इसमें देखिए पहली बात, इस क्वेश्चन में ये दोनों कौन से, संपूरक और एकांतर कोण, दोनों मेथड लगने वाले, इसलिए मैंने बोला था आपसे कि इसको थोड़ा नोट करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा मैंने जो बताया था। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या ज्ञात करना, हमें देखिए AOB दिया है और OCD दिया है, ठीक है, ये एंगल दिया और ये वाला एंगल दिया, दो एंगल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम दोनों चीजें लगाएंगे, एकांतर कोण और संपूरक कोण। देखिए इसमें पहले तो हम क्या करेंगे, संपूरक कोण से एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर संपूरक कोण वाली एक लाइन खींच लेंगे जो मैं संपूरक कोण से अगला जो एंगल देगी। हमें निकालना क्या, एक्स। इसी प्रकार से पिछले वाला करा था हमने दोनों आसपास के निकाल लिए थे, ये वाला निकाल लिया था और ये वाला निकाल लिया था, उसमें से 180 में से माइनस किया था एक्स को, तो हमारा एक्स आ गया था। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें भी हम बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, यहाँ पर दो चीजें लग सकती हैं, ठीक है, और दो चीजों से ही लग कर ये क्वेश्चन होगा। पहला तो देखिए संपूरक कोण, संपूरक देखिए मैंने लाइन बताई थी आपको, संपूरक इस प्रकार की, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर ये एक्स है ये वाई है तो यहाँ एक्स प्लस वाई होगा 180, ठीक है, कितना होगा 180 होगा। तो इसी के उस पर हम मेथड पर, इसी के रूल पर हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये हमें 100 दिया है तो 180 में से माइनस करेंगे इसको, 180 में से माइनस करेंगे 100 को, कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना आ गया, ये हमारा 80 आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 80 आ गया। अब फिर ये तो हमारा 80 आ गया, लेकिन ये वाला यहाँ पर रूल है वो एकांतर कोण है, एकांतर कोण इस प्रकार की एक लाइन बन रही है, इस प्रकार की एक लाइन जेड बन रहा है, मैंने बताया था इस जेड बन रहा है, यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है तो ये अंदर भी कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पर जैसे मान लेगा ये जहाँ पर जैसे 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा करिए सीधा करिए, जेड को या उल्टा करिए सीधा करिए, कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर 50 है तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो 50 हो गया हमारा। तो मैंने क्या बोला था आपसे, हमें एक तो एक कोण हमें मिल गया 80, कितना वाला, एक तो मिल गया हमें 80 और दूसरा हमें 50 मिल गया। तो मैंने क्या बोला, ये पूरी लाइन पर बना हुआ कोण, पूरी लाइन पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 का होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 180 माइनस 80 और प्लस कौन सा है, 50, क्योंकि ये दोनों प्लस करने पड़ेंगे भाई, प्लस तो करने पड़ेंगे, 80 100 और 100 में से 50, तो कितना आ गया, ये आ गया 50। एक्स बराबर कितना आ गया, 50। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको ABCD करके कोण वोड बना के इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, क्योंकि देखिए एग्जाम में हमें कोण वगैरह नहीं बनाना है, हमें डायरेक्टली करना है। मैं बेसिक जरूर समझा रहा हूँ, लेकिन बेसिक भी आपको इस प्रकार समझा रहा हूँ कि आप एग्जाम में इस प्रकार से करिएगा, ये मत करिएगा कि भाई कोण हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें पता था। ये मान लीजिए मैंने EF दे दिया, से ये E दे दिया, तो आप लिखने बैठ जाओ कोण EOF बराबर कितना, 180 होगा। अब मैंने इसमें से घटाया, कितना घटाया, यहाँ पर से घटाया तीनों को, यहाँ पर से इसको घटाया और इसको घटाया, तो हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए एक और क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर आपको एक जेड प्रकार की आकृति दिख रही है, इसमें ABCDEF जो है समांतर रेखा है, ABC जो है ABC 70 डिग्री और FEDFEC जो है 140 डिग्री, और हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है BCF, यानी कि BCF अंदर वाला कोण हमें निकालना है, जो हमें X दिया हुआ है एग्जाम में, आपको दिया होगा कि X निकालना है। तो फिर यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर देखिए एकांतर कोण भी यूज़ होगा और संपूरक भी यूज़ होगा, दोनों यूज होंगे। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, इस जो है संपूरक कोण बनाना है, कैसे बनाना है,
जो दिया है संपूरक कोण, संपूरक कोण से बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, इस जो लाइन है यहाँ पर जो लाइन दी हुई है इस प्रकार की, इसको बढ़ा ली ठीक है, और इस प्रकार की इस लाइन को भी बढ़ा दिया ठीक है, यानी कि ये जो है इस प्रकार से बढ़ गया और यहाँ पर ये बढ़ गई, और ये लाइन दी थी ये इस प्रकार से बढ़ गई ठीक है। आपको धुंधला दिख रहा हो, मैंने धुंधला ही बनाया इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा ना दिखे ठीक, इस प्रकार की। और ये एक कोण दिया है हमें 140 का ठीक है, दूसरा कोण कैसे निकालेंगे, सिंपल सा 180 माइनस 140 में से निकालेंगे, इतना समझ में आ गया, 140 में से निकालेंगे ठीक है। तो ये कौन सा कोण आ जाएगा हमारा, ये वाला कोण आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा ठीक है। यानी कि 180 में से हम माइनस करें, क्या करें, माइनस करें 140 को, तो कितना आएगा 40 आ गया, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया 40 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया। अब फ्रेंड ये वाला तो 40 आ गया, लेकिन हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्यों, अगर देखिए मान लीजिए अगर हम इसी वाले ये फॉर्म, इसी वाले जो एकार ये संपूरक से करेंगे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो हम करेंगे कैसे, जहाँ पर जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो इस जेड में देखिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और यहाँ तक, इसमें क्या होता है जेड में कि ये पूरा कोण यहाँ पर दिया और ये पूरा कोण होता है, मतलब ये 70 है तो ये भी 70 होगा यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड ये कैसा है, ये इसको आधे में से काट रहा है, क्या कर रहा है, ये आधे में से काट रहा है, ये प्रतिच्छेदक रेखा है ठीक है, कैसी संपूरक वाली ये रेखा है वो काट रही है ठीक है। तो जब ये ऐसी प्रकार की रेखा काटे तो ये क्या दो भागों में, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दो भागों में बांटेगी, बराबर बांटेगी, नहीं ऐसा नहीं है, दो बराबर, लेकिन ये बीच में से जा रही है, लगभग लगभग बीच में से जा रही है, पता नहीं कितने कोण बना रही है डिग्री। तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये पूरा कितना होगा, ये 70 का होगा, हमने 70 में से कितना निकाल चुके, हम 70 में से 40 निकाल चुके, ये पूरा कितना का होगा, ये पूरा, ये जो पूरा बना बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा ये 70 का होगा, हम अभी कितना निकाल चुके 70 में से 40 निकाल चुके हैं, 40 70 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 30, तो 30 ही हमारा आंसर होगा, x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आज के क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे लगेंगे। इसके बाद में मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, इसको हम मिटाल देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं ट्राइंगल का ठीक है। एक्चुअल में क्या उसका बेसिक पढ़ना जरूरी है, अगर आपको आगे बढ़ना है फ्रेंड्स ज्योमेट्री करनी है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ ट्राइंगल में होता क्या है। देखिए ट्राइंगल में है क्या, बेसिक बताऊँ ट्राइंगल में हमेशा क्या होती है, एक दो से अधिक बना हुआ क्लोज फिगर, अ क्लोज फिगर बाउंडेड मोर देन टू लाइंस ठीक है, लगभग लगभग से ट्राइंग ऐसे क्या बोलेंगे ट्राइंगल के कहेंगे। ट्राइंगल में मगर अगर मान लीजिए ए साइड है, ये बी है और ये सी है, इस साइड नहीं है, ये वर्टेक्स है ठीक है, ये वर्टेक्स है ठीक है। अब इसके सामने का जो साइड होगी वो स्मॉल ए से, इसके सामने की स्मॉल बी से, इसके सामने की स्मॉल सी से हम यहाँ पर दर्शाएंगे। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बोलूँ कि ये बड़ी लाइन है, इसमें एक बड़ी लाइन होगी, जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी एक बड़ी लाइन हो सकती है, ऐसा नहीं कि सारी समान होंगी, ऐसा भी हो सकता है सारी समान हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि एक लाइन एक है, एक लाइन दो है और एक लाइन एक है, क्या इसका ट्राइंगल बनेगा, क्या इसका ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा ट्राइंगल ठीक है, बिल्कुल ट्राइंगल बन जाएगा। मैंने बोला क्या एक दो और एक लाइन है तो भी बन जाएगा ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल में का दो साइड है, कोई भी दो साइड हो, मैं जैसे मान ली ए साइड ए प्लस बी साइड, ये हमेशा ग्रेटर देन होनी चाहिए सी से, ए प्लस बी की साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए सी से। अगर ये बड़ी नहीं होगी, ये बड़ी नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए साइड कितनी है 3 है ठीक है, बी साइड भी कितनी है 3 है ठीक है, सी साइड कितनी है, मैंने बोला सी साइड कितनी है 5 है, कितनी है 5 आई हो आपको देख रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है। मैंने बोला ये वाली साइड कितनी है, मैंने बोला पहले तो 5 है, कितनी है ये सी कितनी है 5 है, मैं इसको मिटाल देता हूँ ठीक है। सिंपल सा हम फंडा सीख रहे हैं, ट्राइंगल का थोड़ा सा बेसिक सीख रहे हैं, अगली क्लास में सीखे आपको इंटरेस्टिंग लगे। मैंने बोला ये कितनी है, ये है 5, सी कितनी है, मैंने सी बना दी 5 ठीक है, 5 बना दी। अब मैंने बोला ये 5 है, बाकी कितनी है, ये रहा 3 ठीक है, और ये रहा कितना, ये रहा 3 ठीक है, ये 3 है ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 और 3 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ये 6 हो जाएंगे तो मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 मिल जाएंगे तो बन जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे ये बोला वो 3 था और एक कितना था, एक था, एक 3 था और एक कितना था, एक था,
मैंने अगर बोला एक लाइन तीन थी और एक लाइन ए, मतलब ए बराबर ए बराबर तीन और बी बराबर एक और सी बराबर कितना है, सी बराबर पाँच है, तो फ्रेंड यहाँ पर जो है कोण नहीं बनेगा, त्रिकोण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक लाइन तो बन जाएगी बड़ी, कैसी बन जाएगी, एक लाइन तो बन जाएगी बड़ी लेकिन एक लाइन रह जाएगी छोटी, तो यहाँ पर जब छोटी रह गई है तो फ्रेंड ये पूरा ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, इसको पूरी ट्राइंगल बनाना होगा, क्योंकि ए प्लस बी साइड हमेशा ग्रेटर देन होगी सी से। कोई भी चीज मतलब कोई भी दो साइड्स हों वो उनका सम हमेशा बराबर होना चाहिए तीसरी साइड के, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और इसी प्रकार का जो है बेसिक लेकर हम चलेंगे ट्राइंगल का। तो आई थिंक फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आकर और भी वीडियोज दिए हैं उनका जाकर एक बार विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।